मशाल रैली का आयोजन किया गया था कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की जो उनकी सदस्यता निरस्त की गई है उसका विरोध आप कर रहे थे, तो क्या लगता है जिस जोश और खरोश के साथ आपको मैंने वहां पर बेबाकी से बोलते हुए देखा, यही वोट बैंक में क्या तब्दील हो पाएगा? पहले तो मैं धन्यवाद कहूंगा IBC चैनल का कि आपने मुझे बुलाया और अपनी बात युवाओं के बीच में रखने के लिए ये स्थान और ये मंच दिया, धन्यवाद। आपने बात की रैली की, वो लोकतंत्र बचाओ रैली थी और साथ में उसका मैसेज ये भी था कि अगर कोई संसद में ये पूछ रहा है कि 20,000 करोड़ कहाँ से आए अडानी जी के पास, अगर उस चीज़ के लिए हमें सदस्यता को निरस्त करना पड़ेगा तो ये लोकतंत्र की हत्या है। आज जिस तरीके से हर एक व्यक्ति लोकतंत्र की आवाज़ जहाँ जहाँ उठाने की बात कर रहा है, वहाँ पर ED से लेके CBI हर एक तरीके से उस आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। तो हमारा एक प्रयास था, एक कोशिश थी कि युवाओं को जागरूक किया जाए और बताया जाए कि ये आपके भविष्य की लड़ाई है, क्योंकि संविधान बचेगा तो आपका हक बचेगा। तो एक उद्देश्य जो उस दिन रैली का था, एक सिंपल सवाल जो हर एक युवा को पूछना है कि ये 20,000 करोड़ कहाँ से आए। ठीक है।